पिथौरागढ़ जिला अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, जिसे पर्यटन के मानचित्र में उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है पिथौरागढ़ मुख्यालय के नज़दीक बन रही थरकोट झील, जिसका पिछले 10 सालों से यहाँ की जनता को इंतजार है, जो अब खत्म होने जा रहा है। यह थरकोट झील उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी रहा है, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें पानी भरने लगा है और अपने शुरुआती दौर में ही यह झील अभी से खूबसूरत लगने लगी है। 32 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बन रही थरकोट झील निश्चित ही जिले का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगी। यहाँ के स्थानीय लोग पिछले कई सालों से झील के बनने का इंतजार कर रहे हैं, जो अब खत्म होने वाला है। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि झील से संबंधित कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें अब पानी भरने का काम चल रहा है, जिसके बाद सभी के लिए थरकोट झील खुल जाएगी। थरकोट झील इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई, उनका काम कंप्लीट हो गया है और पानी भरने का काम भी शुरू हो गया है। जून माह तक ये पानी भरने का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे टूरिज्म गतिविधियाँ भी चालू कर देंगे और ये झील सभी के लिए खुल जाएगी उस वक्त। पिथौरागढ़ नगर की जनता लंबे समय से थरकोट झील का नाम तो सुन रही है, लेकिन इसे अब लोग यहाँ जल्द देख सकेंगे। 2019 से शुरू हुए थरकोट झील का निर्माण कार्य अब जाकर पूरा हुआ है और शुरुआती दौर में ही झील को देखने लोग पहुंचने लगे हैं। 10 साल पहले पर्यटन मंत्री बनने के बाद दिवंगत नेता स्वर्गीय प्रकाश पंत ने थरकोट में झील निर्माण करने का प्रयास शुरू किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। थरकोट झील इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस झील का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति के साथ ही सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करने की योजना है। टनकपुतवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर पहले सड़क के किनारे यह झील बन रही है और यहाँ के लोग इस झील के बनने से काफी उत्साहित हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी नारायण सिंह मेहता ने यहाँ के स्थानीय निवासी नारायण सिंह बोरा का कहना है कि इस झील के बनने से उन्हें काफी उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के लिए रोजगार के नए आयाम विकसित करेगी। सब थरकोट झील तो अगर यहाँ बनेगी तो यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर खुलेंगे। इसमें जो है गांव वालों को भी अपना एक छोटी सी रेडियो लगा के भी अपना शाम का गुजारा कर सकता है। और जो झील बनेगी तो इसमें नावें चलेंगी, इसमें मछली का उत्पादन होगा। हो सकता है कि यहाँ के जो है कुछ आदमी को यहाँ पर उसमें नौकरी भी दिया जाए, क्योंकि जिसकी ज़मीन गई है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।